हिमाचल प्रदेश में एयरफोर्स की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। एयरफोर्स की टीम ने 48 घंटे में 780 लोगों को सुरक्षित बचाया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 50 उड़ाने की और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल में एयरफोर्स का ऑपरेशन जारी है। 48 घंटे के भीतर 780 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया जो कि बाढ़ वाले इलाकों में फंसे हुए थे। तो शिमला में बारिश और जमीन खिसकने की वजह से जगह जगह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद शिमला कालका हेरिटेज रेल के ट्रैक को बंद करना पड़ा और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस ट्रैक पर जगह जगह पहाड़ से गिरे मलबे का ढेर जमा हो गया तो कई जगह पेड़ भी ट्रैक पर गिरे हुए नजर आए और जिसके बाद एहतियातन एक इस हेरिटेज रेल ट्रैक को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं जहाँ पे यातायात बुरी तरीके से प्रभावित, यानी अभी आपको शिमला कालका जी ट्रेन का इस्तेमाल करना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके रूट के बाधित होने की वजह से अब स्थिति ज़्यादा भयावह हो गई है और ट्रेन के रूट को बंद कर दिया गया है। तो शिमला में स्थिति कितनी ज्यादा खराब है वो दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक और इस ट्रैक के नीचे से जमीन खिसक जाने से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और देखिए शिमला कालका जो रेलवे लाइन है, जो ट्रैक है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कोई टूरिस्ट पहुंचता है वो जरूर यहाँ जाना चाहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रेल सेवा बंद कर दी गई है। कारण क्या है तो देखिए, जगह जगह पर ट्रैक उखड़ गए हैं, मलबा ट्रैक पर गिरा हुआ है जिसकी वजह से पूरी तरीके से इस रेल यात्रा को, इस रेल सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि तबाही किस कदर हुई है और कहा यह जा रहा है कि बीते कई दशकों में हिमाचल प्रदेश में हुई सबसे बड़ी तबाही देखी जा रही है, जहां पर जगह जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। 27 अगस्त तक ऐसी खबरें आ रही है कि इस ट्रैक को नहीं दुरुस्त किया जा सकेगा और तब तक ये सेवा प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही कांगड़ा में मचाई है। कांगड़ा के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ फतेहपुर और इंदौरा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी जारी है। लोगों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुटे हुए हैं। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हालात का जायजा लिया। जिन इलाकों में बाढ़ और सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई है वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब आ चुका है। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि रेस्क्यू के लिए सेना और एयरफोर्स तक की मदद ली जा रही है। हिमाचल के कांगड़ा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पोंग डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पोंग डैम से आ रहे सैलाब ने कांगड़ा के कई गांवों को डुबो दिया है। हालात ये हैं कि लोगों को बचाने के लिए कांगड़ा में एयरफोर्स की मदद दी जा रही है। कांगड़ा में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। पोंग डैम से छोड़ा गया पानी किस कदर कांगड़ा में तबाही मचा रहा है, इसे समझने के लिए पुल से 3 से 4 फीट ऊपर बह रहे सैलाब की इन तस्वीरों को देखिए। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से कई गाँव का कांगड़ा से संपर्क टूट गया है। हालात बिगड़ने के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाला है। पुल पर रस्सी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उन तक हेलीकॉप्टर की मदद पहुंचाई जा रही है। कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। बीते 2 दिनों से भारी बारिश होने के कारण पोंग डैम का जल स्तर लगभग 1400 फुट के आसपास पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अब इसकी चपेट में हिमाचल के साथ साथ पंजाब के कई गाँव भी आ गए हैं। कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे।
तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद, कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊँगा। कितने लोग फंसे हैं अभी? कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी सारी चीजों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री एक साल, हाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है, इसलिए एक साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। कांगड़ा के आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, हालांकि सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास में।